गौओं और उनके बच्चों को आदमखोर कुत्ते नोच नोच कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गौशाला संचालकों ने आदमखोर कुत्तों से गौओं और उनके बच्चों को बचाने की गुहार की है। अखिल भारतीय मार्कंडेश्वर जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत जगन्नाथपुरी ने बताया कि ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने आपसी सहयोग से गांव जैतपुरा में पावर हाउस के निकट श्री मार्कंडेश्वर गौशाला की स्थापना की है। इस गौशाला में 100 के करीब गौएं, बैल तथा बछड़े हैं। इनके लिए चारे, पानी और दवा की व्यवस्था में आसपास के क्षेत्र के लोग सहायता करते हैं। उन्होंने बताया कि गौशाला में लाई गई गाय और बछड़ों को यहीं के आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा छोड़ा गया था। अब यह गौएं और बछड़े गौशाला के संरक्षण में हैं। महंत जगन्नाथपुरी ने बताया कि अभी गौओं और बछड़ों को पावर हाउस के निकट विद्युत निगम की भूमि पर अस्थायी गौशाला में रखा गया है। इसी के साथ गौचरान की भूमि पर गौशाला की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आदमखोर कुत्तों ने रात के समय गौशाला में गौओं और बछड़ों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। महंत जगन्नाथ, ये जो गौशाला जैतपुरा में बनी हुई है, ये सारे इलाके के सहयोग के इलाके की गौए है जो कि यहाँ छोड़ के सुबह सब लोग योगा क्लास में आते, वही गांव के लोग इनको घास पानी अपने अपने इलाके से लाके खिला रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छे दिल से सेवा कर रहे हैं। परंतु कुछ समस्याएं भी यहाँ पे आ रही है प्रशासन की। ये जगह जो है ये भी बिजली बोर्ड को दी हुई है, इन्होंने भी कई केस किए, आगे हम टेम्पररी व्यवस्था कर रहे हैं इसकी। परंतु इसके लिए जो हमें साथ चाहिए प्रशासन का, ग्राम पंचायत का, वो साथ भी बराबर नहीं मिल रहा। इलाके में बहुत सारे कुत्ते हैं, 25-30 का ग्रुप बना है जो कि रात को यहाँ बछड़े फाड़ रहे, और उनको रोकने के लिए कई सेवक आते हैं, रात दिन हम ड्यूटी दे रहे, बचा रहे। सरपंच को और प्रशासन को भी कई बार एप्लीकेशन की, उन कुत्तों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। आज ये कुत्ते गौओं के बच्चे मार रहे, कल हो सकता है किसी साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए इस कुत्तों का बंदोबस्त करने के लिए ग्राम पंचायत प्रशासन को जो रिक्वेस्ट की, किसी प्रकार की अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही। मैं इसीलिए सबको विनती करता हूँ कि ये हादसा इसी गांव के लिए नहीं हो सकता, ये किसी गांव में भी कुत्ते जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी उसकी दखल ले जाए प्रशासन और उन कुत्तों का बंदोबस्त करे। इन गौओं के लिए बिचारी सेवा तो हम सब लोग कर रहे हैं, पर इसके लिए शेड बनाना पड़ेगा जिससे धूप और पानी से ये बच जाए, ये सारी व्यवस्था। क्योंकि आज ये गौवे बाहर से नहीं आ रही, ये इसी इलाके की गौवे है। हम कृष्ण की पूजा तो कर रहे, पर गौ माता की सेवा के लिए आज अगर कोई ग्रुप, कोई बच्चे सेवा कर रहे तो सबने मिलकर अगर इसका सहयोग किया तो गौ माता की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। और यही गौ माता हम इसी के द्वारा अपने इलाके में नाना प्रकार के खेती के भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका गोमूत्र और मूत्र और जो गोबर है, इसी के द्वारा हम अपनी खेती को भी विकसित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे ग्रुप के पास है जो कि हम यहाँ जो ऑन द स्पॉट जमीन पे काम कर रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते कि हमारी सहायता करें और आगे ये गौ माता के लिए वो दिल से सब लोग कार्य कर रहे, उनका हौसला बढ़ाएं।